सुने आपके बारे में क्या है हज़रत ईसा के बारे में, जूश इंसाइक्लोपीडिया .com पढ़ रहा हूँ, तो क्रूसिफिक्शन सारा नहीं मैं पढ़ सकता, लास्ट में पॉइंट पे ले जाता हूँ। उसमें खुलासे में ये लिखा हुआ है कि जी हाँ, फिर वो जो केस हुआ था पॉन्टियस पायलट के पास गए, हेरोड के पास गए, फिर वो किंग ऑफ द जूस क्लेम कर रहा था, उनकी जो ग्रेव है उसके ऊपर भी पता नहीं लिख दिया, और सॉरी जो उनकी स्लीप थी उसके लकड़ी पे लिख दिया कि वो किंग ऑफ द जूस क्लेम करता था, पॉन्टियस पायलट जो था फलान, वो सारी बातें जो है वो सारी लिख के एंड पे देखे ज्यूश एनसाइक्लोपीडिया में नीचे क्या लिखा हुआ है, ये सुनिए आप, सुने आप लोग, लिखा हुआ व्हाट एवर हैड बीन जीसस एंटीसिपेशंस ही बिफोर द टेरिबल टॉर्चर्स, बहुत तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, मतलब वो बता रहे हैं खुशी से हमने उसको तशद्दुद किया उस पर, ड्यू टू द स्ट्रेन एंड क्रैम्पिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर से ऑर्गन्स भी तोड़ दिए, विद इक्वानिमिटी equanimity till almost the last, when he uttered the despairing and pathetic cry, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why thou hast forsaken me, ये मैं quote करता था ना, Jews लिख रहे हैं pathetic, घटिया words मुंह से निकाले उसने, जब उसके अंदर से हमने हड्डियां तोड़ दी यीशु की। अरामिक जो है इसमें ये लिखा हुआ है लबा सबख्तनी, और जो इंग्लिश मैंने आपको बता दिया माय गॉड, विच शोड, कहता है और ये चीज साबित करती है दैट इवन हिज रेजोल्यूट स्पिरिट हैड बीन डॉन्टेड बाय द ओर्डील, वो तकलीफ से उसकी स्पिरिट जो थी वो भी पता चल जाती है कि वो एक गलत स्पिरिट है, क्योंकि मसाया जो है वो दरख्त पे नहीं लटका, कोई होली मैन वो आके मैं बताता हूं क्यों। दिस लास्ट अटरेंस वॉज इन लॉर्ड्स इम्प्लीकेशन in all its implications, itself a disproof of the exaggerated claims made for him after his death by his disciples. कहते हैं वो जो हवारियों बड़ी बातें करते हैं यीशु मसीह के ये है वो है, कहते हैं ये सारी बातें बकवास हैं, हमें मौत से पता चल गया, उसकी मौत से पता चल गया, सब बकवास है ये, वो क्या शख्स था, मैं मौत से साबित हो गया। The very form of his punishment would disprove those claims in Jewish eyes. हमारी नजर में ये सारी बातें जीरो हो गई। No Messiah, सुने पड़ी अहम बात, No Messiah, No Messiah, No Messiah that Jews could recognize could suffer such a death. कोई भी मसाया ऐसी गंदी नंगी मौत सलीब पे नहीं आ सक, नहीं ले सकता, ये हमारा अकीदा है, यहूदी कहते हैं। For, उसने फिर बाइबल कोट किया, He that is hanged is accursed of God. जो भी लटकाया गया दरख्त पर या सलीब पर वो खुदा की तरफ से एक अकर्स्ड होगा, Deuteronomy 23, मतलब एक लानती होगा, नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, an insult to God. तरगम रशी, How far in his own mind Jesus substituted another conception of the Messiah, ये अपना बनाया था मसाया माइंड में, and how far he regarded himself as fulfilling that ideal Messiah still remain among the most obscure of historical problems. कहते हैं कि ये यीशु मसीह के साथ जो हुआ, और फिर जब तकलीफ हुई, ऑर्गन निकले टूटे, तो फिर अकल आई, तो फिर बोला ना अल्लाह अल्लाह मुझे बचा, ये मेरे साथ क्या कर दिया, अल्लाह अल्लाह लमा तरक्तनी, मुझे बचा, ये क्या हो गया मेरे साथ, हिब्रू में अल्लाह अल्लाह लमा सबख्तनी, मेरे साथ क्या हो गया, इंग्लिश में माई गॉड व्हाई थाउ हैज़ फॉरसेकन मी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए आप खुद सोचें अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे और वो स्लीप पे चढ़ने के लिए, तो वो कैसे स्लीप पे बात कर सकते हैं, अल्लाह तूने तो मुझे गर्क कर दिया, ये कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ा। इंसान ऐसे वो तो खुश होना चाहिए था, उनको मैंने देखो सबके लिए कुर्बानी दी, कोई शख्स ऐसे सेक्रीफाइस करता, कोई शख्स ऐसे दुनिया में जो है आप पता है मार्टर होता है डर डर के। तो यहां से पता चलता है कि ये, और कुरान कहता है वमा कतलू वमा सलबू, ना स्लीप पे चढ़े ना वला किन शुबिया लहुम, उनको ऐसा लगा, इट वॉज मेड, और वो कौन था, हज़रत ईसा की शबी थी, और अल्लाह ने उनको जिंदा उठा लिया, अल्लाह का रसूल, और ऐसे नंगा लटका हुआ हो और तुम कहते हो ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। यहूदी क्या बोलता है, कहता हमने गेट रिड कर दिया, क्या जो मसाया और नबी होता है वो कभी भी अल्लाह उसको ऐसा जलील नहीं करता चंद घटिया दो टके के लोगों के आगे, और ये हमारा अकीदा भी है, इसलिए हम कहते हैं कि हज़रत ईसा नहीं सलीब पे चढ़े भाई, ये तो कोई और है, और फिर उस सलीब से तुम लोगों ने एक मजहब बना लिया रोमन्स ने, और वो जो पॉल था उसने पकड़ के पता नहीं सल्वेशन और अजीब रंगों रंगाओं में इसको बना के खिचड़ी बना के क्रिश्चियनिटी क्रिएट कर दी,
उससे आपने सारी ग्रीक स्पिरिट्स ले ली, ओरिजिनल सिन आ गया, रिडेम्पशन आ गया, अटोनमेंट आ गया, ये कारण बिब्लिकल नहीं है भाई। तो पॉइंट ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या बारे में वो बोलते हैं, और आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है क्या नाम है, हम लोगों को हज़रत ईसा का दुश्मन मानते हैं, और वो अपनी किताबों में ज्यूश सेक्टर में लिख रहे हैं कि जब हड्डियां तोड़ी टूटी तो फिर उनको पता चला, और फिर उसके अंदर से किस चीज की ऑडिलमेंट के बाद पता चला कि वो कर्स्ड है, और हम ऐसे मसाया को रिजेक्ट करते हैं। बात आप हमारे करते हो, अपने जाके पहले लोगों को देखो जिनको आपने सीने से लगाया हुआ है। और माय गॉड दाउ हैव फॉरसेकन मी का बहुत मजाक उड़ाया हुआ इन्होंने कि ये कैसा मसाया है, कहता मसाया जो रोता है। इसलिए हमारी तरफ आ जाओ तो बच जाओगे, लगे रहो नहीं तो फिर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के जादू थे वो सारे जो थे कॉन्जरर कॉन्जेक्चर्स थे, वो सब दिखावे थे, फीट्स थे, मोर्जे थे, वो खुद एंटी क्राइस्ट था। नाउज बिल्ला लिखा हुआ कि वो एंटी क्राइस्ट था, जरा ईसा असर क्राइस्ट अब आएगा उनके नजदीक। वो कहते हैं मोर्जे दिखाता था और सारे जो थे मोर्जे डेविल्स के जरिए दिखाता था। नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, ये सुनिए एंटी क्राइस्ट लेजेंड्स उसी इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है, द जूश लेजेंड्स रेफरिंग टू जीसस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ओरिजिनली प्योरली जूश बिकॉज द क्रिश्चियन एंटी क्राइस्ट लेजेंड्स आल्सो मेक अस ऑफ देम। द एंटी क्राइस्ट इज बोर्न ऑफ अ वांडरिंग वर्जन, वर्जन बर्थ जो होगी वो एंटी वो तजाल पैदा करेगा, औरत हम वर्जन होगी उससे निकलेगा। द लेटर बींग अकॉर्डिंग टू वन वर्जन ए डैनिटिक hence Jewish woman, while the father belongs to Latin race corresponding to the Roman soldier Pantera. मैंने कहा था ना Pantera, भिन Pantera, ये वही है Pantera कि वो तो हज़रत मरियम से नाउज़ बिल्लाह जो था वो हुआ और ये पैदा हो गया। Similar details are found in Armillus legend Der Antichrist Gottingen 1895 वगैरह वगैरह, पढ़ लीजिएगा इसमें और बड़ी डिटेल है। और ये हम बताते कि कौन आपके खिलाफ है, हज़रत ईसा क्या कुरान कहता है, वजीहन फिर दुनिया वल आखिरा वबिन अल मुकर्रबीन, हजरत मरियम को देता है, इन्नल्लाह इस्तफाकी वतहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, कि मरियम तुझे तो अल्लाह ने पाक किया चुन लिया और तमाम औरतों से अफजल, या मरियम उकनुती लि रब्बिकी वस्जुदी वरकई मा राकिईन, सो मैरी वर्शिप थाय लॉर्ड डिवोटली, prostrate thyself and bow down with those in the prayers who bow down. ये है कुरान और ये है यहूदी, और आप यहूदी को सीने से लगाए रखो, और वो रास्कल वो हराम खोर वो जाता है गेट बिल्डर्स इसराइल से जाके ट्रेनिंग लेता है और क्रिश्चियन बना फिरता है, और ये सारे तुम लोगों के साथ कर रहा है, और तुम क्रिश्चियनिटी को भी बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहा है। तुम्हें ये नहीं समझ आती कि वो तुम लोगों की टीचिंग्स को भी बदनाम कर रहा है, हज़रत ईसा की ये टीचिंग्स हरगिज़ नहीं है। बहरहाल ये ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया है, आप इसके अंदर और भी बड़ा कुछ पढ़ सकते हैं, और आप हैरान हो जाएंगे ये कैसी कैसी बातें इन्होंने लिखी हुई है हज़रत ईसा के खिलाफ, जो मैं अपने मुंह से अदा करना पसंद नहीं करता।